पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने टीम इंडिया का नया हेड कोच बनने की इच्छा जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरभजन का मानना है कि कोच होने का मतलब टीम को मैनेज करना होता है, न कि खिलाड़ियों को बैटिंग या बॉलिंग करना सिखाना। हरभजन का कहना है कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिला तो क्रिकेट की फील्ड पर दोबारा आना चाहेंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के चीफ कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। MS धोनी के IPL संन्यास से पहले बड़ा अपडेट सामने आया है। IPL सीजन 17 के शुरुआती दौर में धोनी चोटिल हो गए थे। इस दौरान पूरे सीजन मसल टियर से परेशान रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी इलाज के लिए लंदन जा सकते हैं। इलाज के बाद धोनी ले सकते हैं IPL संन्यास पर बड़ा फैसला। IPL सीजन 17 का एलिमिनेटर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अहमदाबाद में राजस्थान ने 15 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 9 में जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। RCB ने इस मैदान पर 5 मैच खेले हैं, टीम को 3 में जीत मिली है और 2 में हार का मुंह देखना पड़ा है। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अभिषेक शर्मा के टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। आकाश चोपड़ा ने कहा कि अभिषेक शर्मा चमकता सितारा है। शर्मा जी का बेटा 45 दिनों के अंदर भारत के लिए खेलेगा। आकाश ने आगे बताया कि अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे और श्रीलंका दौरे पर भारत के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। सीरीज से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर चोट का शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज में जॉस बटलर को बाहर बैठना पड़ सकता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले जॉस बटलर फिट नहीं हुए तो इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज का पहला मैच 22 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 22 मई से होगा। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने आयरलैंड को T20 सीरीज में हराया था। T20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के लिए ये सीरीज काफी अहम है। इंग्लैंड ने पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था। T20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान ने एक बड़ा ऐलान किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रेवो को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का बॉलिंग कंसल्टेंट बनाया है। ड्वेन ब्रेवो 2012-2016 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा थे। ब्रेवो के नाम T20 में सबसे ज्यादा 625 विकेट्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बड़ी तैयारी की है। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विव रिचर्ड्स को मेंटोर बनाना चाहता है पाकिस्तान। विव रिचर्ड ने साल 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए मेंटोर के तौर पर काम किया था। PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस बारे में विव रिचर्ड से बात कर रहे हैं।